ये देखिए कितनी सॉफ्ट पनीर बनी है हमारा। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ मेरी मलाई पनीर की रेसिपी, जो एकदम सॉफ्ट, सिल्की और मुंह में घुल जाने वाली पनीर है। पनीर बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन मलाई पनीर के लिए थोड़ी सी अलग करनी पड़ती है, जो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आप इस पनीर को हल्का सा प्रेस करेंगे और ये ऐसे मेल्ट हो जाती है, कितनी सिल्की है आप देख सकते हैं। आप कहेंगे बहुत ही आसानी से कोई भी दुकान में आजकल पनीर मिल जाता है। पनीर तो मिल जाती है, लेकिन क्वालिटी के साथ हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। या तो दूध में मिलावट होती है या फिर पनीर बासी होती है, जो आपकी रेसिपी को ख़राब कर देती है। आज की ये रेसिपी देखने के बाद आप बाहर के पनीर खरीदने नहीं जाएंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मलाई पनीर के लिए सबसे अच्छी रिजल्ट मिलती है भैंस के दूध से। आप अगर तबेले पे जाकर भैंस के दूध ले सकते हैं तो आप ज़रूर लेकर आइए, क्योंकि घर पर लाते लाते उसमें पानी मिला दिया जाता है। अगर आपको भैंस की दूध प्योर मिल्क नहीं मिलती है तो आगे मैं उसके लिए भी नुस्खा बताऊंगी, और आप उसकी जगह कोई भी फुल फैट मिल्क ले लीजिएगा। 2 लीटर दूध लेनी है हमें, और किसी भी भारी तले वाले कढ़ाई या बर्तन में हम इसको एक उबाल आने तक पकाएंगे, लगातार चलाते हुए, दूध को जलने ना दें। तो ये देखिए दोस्तों, मैं लगातार चलाते हुए दूध में अभी उबाल आने लगी है। दूध में उबाल आने के बाद आप अगर तुरंत फ्लेम को ऑफ करके दूध को फाड़ने लगते तो ऐसा बिल्कुल ना करें, बल्कि दूध में उबाल आने के बाद फ्लेम को हम मीडियम करके 8 से 10 मिनट और पकाएंगे, ताकि इसमें अगर पानी मिली है या फिर दूध पतली है तो दूध थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे और दूध को पकने देंगे। ऐसे करने से हमारा पनीर और अच्छा बनेगा। और जो मैं नुस्खा की बात कर रही थी उसके ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हर जगह प्योर दूध मिलना मुश्किल है, आजकल प्योर दूध हर जगह नहीं मिल पाता है। आप अगर पैकेट दूध ले रहे हैं, दूध अगर पतली है, तो आप 2 लीटर दूध में अमूल फ्रेश क्रीम 200 ml ऐड करें, आपको सेम सिल्की सॉफ्ट मलाई पनीर का रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसा आप एक बार बनाकर ज़रूर देखें। तो यहाँ पे मैं दूध को अच्छे से पका लेने के बाद लास्ट में ऐड कर रही हूँ 200 ml अमूल फ्रेश क्रीम, और फ्रेश क्रीम डालने के बाद मैं हल्की सी एक छोटी सी उबाल आने दूंगी, फ्लेम को ऑफ कर दूंगी तुरंत। क्रीम डालने के बाद ज़्यादा देर पकाएंगे तो क्रीम घी छोड़ देगा और आपकी पनीर नॉर्मल पनीर बन के रह जाएगी, मलाई पनीर नहीं बनेगा। तो टिप्स को बहुत ही ध्यान से फॉलो करें, छोटी छोटी टिप्स से बहुत काम की है। अब हम दूध को फाड़ने के लिए एक कटोरी में 2 बड़े चम्मच प्लेन विनेगर लेंगे। आप इसके जगह नींबू का रस ले सकते हैं या फिर नींबू सतिया सिट्रिक एसिड ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पनीर बना रहे हो तो सिट्रिक एसिड सस्ता ऑप्शन रहेगा। इसमें 2 बड़े चम्मच पानी मिला करके साइड में रखेंगे, दूध हल्की सी ठंडी हो जाएगी तब हम दूध को फाड़ेंगे। जब हम दूध को फाड़ेंगे, दूध को छानना होगा, तो यहाँ पे मैं इसीलिए सेटअप रेडी कर रही हूँ। एक बर्तन बड़ा वाला ले लेंगे, नीचे ऊपर एक छलनी रखेंगे, उसके ऊपर एक पतला सा सूती का कपड़ा जो हल्की सी गीली होगी। तो यहाँ पे सारा सेटअप रेडी है, दूध भी फाड़ लेते हैं। दूध अभी उबल नहीं रही है लेकिन गर्म है, एकदम ठंडा दूध भी नहीं चाहिए होता है या फिर उबलता हुआ दूध भी नहीं चाहिए। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा विनेगर और पानी का मिश्रण डालते हुए दूध को फाड़ेंगे। जहाँ पे दूध एकदम फट जाएगी तब विनेगर डालना एकदम बंद कर देंगे। कभी भी पनीर बनाने के लिए उबलता हुआ दूध नहीं चाहिए या फिर ठंडी दूध भी नहीं चाहिए। दूध गर्म होनी चाहिए लेकिन उबलता हुआ नहीं होना चाहिए। उबलता हुआ दूध अगर आप फाड़कर पनीर बनाएंगे तो आपकी पनीर सॉफ्ट नहीं बनेगी। एकदम ज़्यादा विनेगर एक साथ में कभी ना डालें, वरना पनीर खट्टी हो जाएगी और सॉफ्ट नहीं रहेगी। ये छोटी छोटी टिप्स को ध्यान रखते हुए पनीर बनाएं हमेशा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दूध फट गई है, छेना अलग हो गया, पानी अलग हो गया। इस समय हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी, तुरंत ही हम इसको छान लेंगे, क्योंकि इसकी कुकिंग प्रोसेस अभी भी चालू है, ये गर्म है, तो इसे तुरंत छानना बहुत ज़रूरी है, वरना पनीर सख्त बनेगा। तो यहाँ पे मेरी जो छलनी है वो थोड़ी सी छोटी पड़ रही है, इसलिए मैं चम्मच से थोड़ा थोड़ा छेना डाल रही हूँ। अब मैं ये छलनी को हटा करके पूरा छेना एक साथ में छान लूँगी, क्योंकि छेना की क्वांटिटी ज़्यादा है और छलनी थोड़ी सी छोटी पड़ गई है। जब आप दूध में क्रीम डाल करके ऐसे पनीर बनाते हैं तो पनीर की क्वांटिटी भी बहुत ही अच्छी खासी आती है। 2 लीटर दूध में बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में पनीर मेरी बन गई थी। तो यहाँ पे मैंने इसको छान लिया है, और जो ये पानी है पनीर का, इसको बिल्कुल फेंकनी नहीं है, इसको आटा गूंदने के लिए आप यूज़ करें, क्योंकि इसमें पूरा दूध का प्रोटीन है।
अब जो ये छेना है इसमें हम एकदम ठंडा पानी, फ्रिज का ठंडा पानी 1 ग्लास डालेंगे। इसकी दो रीज़न है, एक तो इसकी कुकिंग प्रोसेस यहीं पे बंद हो जाएगी, पनीर हमारा सॉफ्ट बनेगा। दूसरा रीज़न है इसमें हमने विनेगर ऐड किया है, तो विनेगर का जो खट्टापन है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ठंडा पानी डालने के बाद इसको ऐसे निचोड़ लूँगी। और चलिए अब हम इसको सेट होने के लिए सेटअप रेडी करते हैं। तो यहाँ पे हम इसी बर्तन को ले लेंगे नीचे रखने के लिए। मैं इसका ये जो पानी है इसको हटा देती हूँ। छेना को अभी थोड़ा सा और निचोड़ लेते हैं। और आपके पास अगर पनीर बनाने वाला मशीन है तो उस पर आप सेट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो नीचे एक बाउल रखे, उसके ऊपर एक जाली वाला बर्तन रखे। ये बर्तन मैं हमेशा स्टीम करने के लिए किसी भी चीज़ को यूज़ करती हूँ। ये एकदम जाली वाला बर्तन है, तो इसके ऊपर हमारा पनीर को सेट करेंगे गोल शेप में या फिर स्क्वायर शेप में। उसके ऊपर एक प्लेट, उसके ऊपर किसी भी भारी बर्तन या फिर डब्बा। इसको हम 2 घंटा ऐसे ही छोड़ देंगे सेट होने के लिए। तो यहाँ पे 2 घंटा हो गया है। अब हम ये सारा चीज़ हटा लेंगे इसके ऊपर से और पनीर को एक प्लेट में ले लेते हैं। मैं प्लेट में लेकर के आपको दिखाती हूँ पनीर कितना अच्छा सेट हुआ है और कितनी अच्छी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट हमारा पनीर बनकर रेडी हुआ है। मैं अब इसको काट करके भी दिखा देती हूँ कि अंदर से अच्छे से सेट हुआ है कि नहीं। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, इजीली कट हो रहा है और अंदर से बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। एकदम सिल्की सॉफ्ट मलाई पनीर हमारा रेडी हुआ है। मैं ऐसे ही हमेशा घर पर बनाती हूँ। तो आप ये पनीर को यूज़ करके जो भी डिश बनाएंगे आपकी उस डिश में 4 चांद लग जाएगी। पनीर मखनी, शाही पनीर, पनीर कोरमा, पनीर बटर मसाला, ऐसे रेसिपीज के लिए आपको मलाई पनीर की ज़रूरत होती है जो हर जगह इजीली अवेलेबल नहीं होता। तो आज के बाद आप घर पर ही ये पनीर बना सकते हैं और बहुत ही अच्छी बनती है। तो देखा ना आपने कितना इजी था सॉफ्ट सिल्की मलाई पनीर घर पर बनाना। आज के बाद आप भी घर पर ही पनीर बनाइए, वो भी मलाई पनीर। मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें, मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ इसी पनीर को यूज़ करके एक रेसिपी। अब मैं आपको एक तरीका बताऊंगी जिससे आप पनीर को स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे आपकी थोड़ी सी पनीर बच गई है तो आप उसको रख कर बाद में यूज़ करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, पनीर को ऐसे एक क्लिंग फिल्म या क्लिंग रैप ले ले, उसके ऊपर अच्छे से इसको रैप कर दे। और इसको आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रख कर स्टोर कर सकते हैं। पनीर आपका एज इट इज़ सॉफ्ट और सिल्की रहेगा, ख़राब नहीं होगी, सख्त भी नहीं होगी। ये देखिए मैंने इसको ऐसे रैप कर लिया है और इसको आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रख कर यूज़ कर सकते हैं बाद में भी। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बाहर के अनहेल्दी चीज़ों से बचें, घर पर ही हर चीज़ बनाने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूले। फिर मिलते एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।